नमस्कार, वीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम न्यूज में मैं ऐश्वर्या शिंदे आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। नागपुर में बिल्डर एसोसिएशन ऑफ इंडिया की कॉन्फ्रेंस का आयोजन, नितिन गडकरी थे प्रमुख अतिथि। जल निकासी के लिए बिछाई गई 6 लाख की पाइपलाइन, कार्य घटिया गुणवत्ता का होने का स्थानीय नागरिकों का आरोप। और नागपुर में राष्ट्रीय बुनकर दिवस के अवसर पर सत्कार कार्यक्रम, कार्यक्रम में कई पदाधिकारी थे उपस्थित। अब खबरें विस्तार से। बिल्डर एसोसिएशन ऑफ इंडिया होटल सेंटर पॉइंट रामदासपेट में 7 अगस्त को पश्चिम क्षेत्र और महाराष्ट्र राज्य स्तरीय बैठक के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस बैठक की अध्यक्षता गुजरात के BAI के राष्ट्रीय अध्यक्ष निमेश पटेल ने की, जबकि राज्य स्तरीय बैठक की अध्यक्षता सोलापुर के श्री दत्तात्रेय मुले ने की। शाम को सुविधा कार्यक्रम की अध्यक्षता माननीय केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने की। महाराष्ट्र के पूर्व कैबिनेट मंत्री श्री सुनील केदार एवं पूर्व MP श्री अजय संचेती BAI इस संगठन में असाधारण योगदान के लिए पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रतिष्ठित व्यक्तित्व श्री PR मुंडले को जीवन गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया और नागपुर के श्री राजेंद्र कुमार आठवले को भी सम्मानित किया गया, जिन्हें BAI का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चुना गया है। निर्माण उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था और औद्योगिक क्षेत्र में दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता है। देश के सकल घरेलू उत्पाद में इस क्षेत्र का योगदान लगभग 5.1 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार देने वाला लगभग 9% है। हाल ही में लॉकडाउन और COVID-19 महामारी के कारण लगाए गए कई प्रतिबंधों के कारण निर्माण उद्योग काफी हद तक प्रभावित हुए हैं। वीकेबी न्यूज के लिए कैमरा पर्सन रोशन बोकड़े के साथ वैदेही चव्हाण की रिपोर्ट। मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई कि छोटू भैया का जो उन्होंने अपने जीवन में काम किया है उसके लिए आप सब लोगों ने उनका सत्कार किया है। मुझे याद है जब वो 60 साल के हुए थे तब एक कार्यक्रम हमने किया था वसंतराव देशपांडे सभागृह में। छोटू भैया का परिचय, मैं जब से विद्यार्थी था तब से मेरा परिचय उनके साथ हुआ है। हमारे महल क्षेत्र में भी वहीं उनका जन्म हुआ है और उनके पिताजी नील सिटी हाई स्कूल में शिक्षक थे। बहुत ही मुंडले बाड़ा करके काफ़ी मुंडले परिवार बड़े प्रमाण पर वहाँ रहते थे और बहुत कठिन परिस्थिति में उन्होंने अपने शिक्षा को पूरा किया है। मेरी यादगार अगर ठीक होगी तो वो पॉलिटेक्निक का सिविल इंजीनियर का डिप्लोमा उन्होंने लिया और कुछ दिन तक उन्होंने नौकरी की और नौकरी करने के बाद नौकरी छोड़कर उन्होंने अपने व्यवसाय की शुरुआत की। इरिगेशन कॉन्ट्रैक्टर करके उन्होंने बहुत अच्छा नाम कमाया। हमारे नागपुर जिले में, विदर्भ में अनेक बड़े बड़े प्रकल्पों का काम उन्होंने यशस्वी रूप से किया है और इसलिए स्वाभाविक रूप से एक बिल्डर के रूप में, इरिगेशन कॉन्ट्रैक्टर के रूप में उनकी तो मान्यता है ही है। पर इसके साथ साथ एक अच्छी बात यह है और जो विशेष रूप से मैं याद रखता हूँ और वो ये रखता हूँ कि जब मैं विद्यार्थी था तो शिवाजी नगर में दत्ता जी के यहाँ जाते थे। तब हमारी औकात भी नहीं थी, इज्जत भी नहीं थी, मान्यता भी नहीं थी, प्रतिष्ठा भी नहीं थी और सम्मान मिलने का तो सवाल ही नहीं उठता था। तो हालत सभी दृष्टि से खराब थी। तो हम जब भी कोई काम अड़चन में आते थे, करने की बात आती थी, तो छोटू भैया के घर में जाते थे और हमारे पीछे वो खड़े रहते थे। हमारे अड़चन के समय जब हमें कोई पूछता नहीं था, जब हमारी कोई कीमत नहीं थी, तब हमें संभालने वाले और हमारे पीछे खड़े रहने वाले छोटू भैया, ये हमारे जीवन में हमको हर समय याद है। मैं अक्सर दो बातें याद रखता हूँ कि जिन्होंने जीवन में कठिन समय में काम किया है उनको जीवन में कभी भूलना नहीं चाहिए। और दूसरी बात जो छोटू भैया के लिए लागू नहीं है, पर जीवन में जो व्यक्ति अपना साथी होता है उसके अच्छे काल में अगर साथ नहीं दिया तो एक बार चल जाएगा, पर उसके कठिन काल में उसके पीछे खड़े रहना चाहिए, ये बात बहुत जरूरी है।
जहां हर तरफ अमृत महोत्सव चल रहा है, वहीं रामटेक बस स्टॉप पर सफाई अभियान देखने को मिला। कवि कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय ने इस गंभीर मामले पर ध्यान देते हुए रामटेक बस स्टैंड की सफाई के लिए एक अभिनव और सराहनीय पहल की है। स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के अवसर पर विश्वविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना के माध्यम से स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत रामटेक शहर के बस अड्डे की सफाई की गई। दिलचस्प बात तो यह है कि स्वच्छता अभियान में 90 छात्रों की भागीदारी से 27 बोरी कचरा एकत्र किया गया। कार्यक्रम में प्रोफेसर डावरे सर, प्रोफेसर प्रगति मैडम, प्रोफेसर पवन, प्रोफेसर जयंत चौधरी शामिल हुए। कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय हमेशा इस तरह के स्वच्छता अभियान का आयोजन करता है और ये विशेष है कि ये रामटेक में विभिन्न सरकारी कार्यालयों, कालिदास स्मारक बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन की सफाई करता है। वास्तव में सरकारी तंत्र को इस तरह के अभियान चलाकर नागरिकों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहिए। स्थानीय प्रशासन को इस तरह के अभियान नियमित रूप से चलाना चाहिए और उन्हें सफल बनाना चाहिए। कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय रामटेक के संस्कृत भाषा एवं साहित्य विभाग की प्रमुख प्रोफेसर कविता होल ने अनुरोध किया है कि प्रशासन वर्तमान परिवेश में स्वच्छता के महत्व को जानकर कार्रवाई करे। मौदा तालुका के रेवराल में ग्राम पंचायत के तहत गांव की जल निकासी के लिए लगभग 6 लाख की लागत से एक पाइपलाइन बिछाई गई है। हालांकि स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि पाइपलाइन व नाली निर्माण का कार्य घटिया गुणवत्ता का है। इस ड्रेन पाइप को बिना कपलिंग के सीमेंट किया जाता है। आरोप है कि इस पाइपलाइन को जोड़ने वाले चेंबर का निर्माण भी निर्धारित समझौते के खिलाफ किया जा रहा है। इस संबंध में स्थानीय नागरिकों ने मौदा खंड विकास अधिकारी को लिखित शिकायत दी है और स्थानीय लोगों ने इस बार पूरी तरह से जांच करने और सुचारू रूप से किए गए कार्यों के लिए माफी मांगने के लिए किया है। इस कार्य की शिकायत मिलने के बाद जिला परिषद सदस्य राधा अग्रवाल ने बताया कि वो सीधे निरीक्षण के बाद किए गए कार्यों की जांच करेगी। विकिप न्यूज के लिए कामठी से नितिन रावेकर की रिपोर्ट। नाली बनवली होती पण या नालीचा काहीच उपयोग नाही। हा पाणी उलटा गावामध्ये येऊन राहिला साहेब। नालीचा फक्त 1.5-2 महिने झाले साहेब। ग्रामपंचायत मार्फत ठेकेदार अरोलीचे होते, ग्रामपंचायत मार्फत काम आहे, काम व्यवस्थित झालं नाही। काय मागणी तुमची? काय नाही, बस सरपंचाने या कामाकडे लक्ष द्यावं आणि गावातले पुरे जे काही नाल्या खोदल्यात आहे ना त्या व्यवस्थित करावा। टोटल कामाची चौकशी करण्यात यावं। हे कसं साहेब, गावातील वेस्टेज पाणी झाल्यासाठी नाले बनवलेले आहेत, तर नाल्याच्या पाणी कसं आहे रोडाला जायला पाहिजे, तर रोडाच्या पाली वापस गावामध्ये येत आहे आणि हे टोटल 6 लाखाचं काम आहे जवळपास अंदाजित। त्यांनी टोटल ठेकेदारीने काय लो क्वालिटीचा माल वापरून सन्यानी याला कॉलर पण नाही लावलेत आणि हरेक पायलीच्या जाईनमधून पाणी जात आहे। तक्रार केली आहे साहेब मी BDO आणि तहसीलदाराकडे, कलेक्टरकडे कंप्लेंट केलेली आहे साहेब। पण आता 4 दिवस झाले कंप्लेंट केलेली आहे, तर अग्रवालजी आज येऊन गेले, तर सकाळी त्यांनी चौकशी करून गेली, तर जिल्हा परिषद सदस्य आहेत अग्रवालजी, मुकेश अग्रवाल, ते त्यांची मिसेज आहे, तर ते गेले पाऊनसन्यानी इथून। हा टोटल काम साहेब डुप्लिकेट झालेलं आहे। टोटल या कामामध्ये सचिव, सरपंच आणि ठेकेदारांना मिळून सन्यानी भ्रष्टाचार केला सर कामामध्ये। गोंदिया तालुका के ग्राम तेडवा में नवनिर्मित ग्राम पंचायत भवन का समर्पण समारोह पूर्व विधायक श्री राजेंद्र जैन और प्रमुख गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में संपन्न हुआ। महाराष्ट्र सरकार की राष्ट्रीय ग्राम स्वराज्य अभियान योजना के तहत तेहवा में नवनिर्मित ग्राम पंचायत भवन का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है और गांव के लोगों की सुविधा के लिए ग्राम पंचायत भवन उपलब्ध करा दिया गया है। इस मौके पर कई ग्रामीण उपस्थित थे। कामठी शहर में रविवार को गांधी चौक पर पोरवाल पार राजीव गांधी सभागृह में महाराष्ट्र के सुनील केदार, कामठी मौदा विधानसभा के नेता व माजी जिला परिषद अध्यक्ष सुरेश भाऊ भोयर व महाराष्ट्र प्रदेश यूथ कांग्रेस की ओर से छात्रों का भव्य सत्कार ट्रॉफी एवं सर्टिफिकेट देकर किया गया। इस भव्य सत्कार कार्यक्रम में सभी मुख्याध्यापकों का शॉल व पुष्पगुच्छ देकर सत्कार किया गया। इस भव्य सत्कार समारोह एवं प्रशिक्षण शिविर का आयोजन विदर्भ जोन के यूनिट मैनेजमेंट के समन्वयक युवक कांग्रेस के नेता मोहम्मद इरशाद शेख ने किया। साथ ही एसोसिएशन ऑफ फार्मास्यूटिकल ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर डॉक्टर मिलिंद उमेकर का सत्कार किया गया। इस कार्यक्रम में MM रब्बानी स्कूल के पूर्व प्रिंसिपल श्री राजेश बानसिंगे व डॉक्टर मिलिंद उमेकर ने विद्यार्थियों का मार्गदर्शन किया। कार्यक्रम में उपस्थित सुनील केदार, कामठी मौदा विधानसभा के नेता सुरेश भाऊ भोयर द्वारा सभी विद्यार्थियों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी गई। इस कार्यक्रम के सफलतार्थ नागपुर जिला युवक कांग्रेस के उपाध्यक्ष मोहम्मद राशिद अंसारी, सलमान खान, कर्रार हैदर, अफसर खान, इरफान अहमद, आकाश भोकरे, दिवाकर राव, फरमान खान, अरशद खान उपस्थित थे। विकिप न्यूज के लिए कामठी से नितिन रावेकर की रिपोर्ट।
वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। लव यू दीपिका, बाय। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। Flywheel Aviation Academy, 1 degree 3 job opportunities। Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka बैंक नागपुर। बॉस ने मीटिंग बुलाई। बाहर बाहर उठो बैठो। तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com। बाद आप सबका फिर से स्वागत है। नागपुर में राष्ट्रीय बुनकर दिवस के अवसर पर बुनकर लोगों के सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में विकासनी कुमारी, प्रदेश संयोजक विकाकर, श्याम चांदेकर, विदर्भ संगठक गजानन खापरे, नागपुर अध्यक्ष किशोर उमरेडकर, नागपुर शहर बुनकर आघाड़ी महामंत्री युवराज निपाणी और अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। आज 7 ऑगस्ट है, 7 ऑगस्ट हा राष्ट्रीय बुनकर दिवस म्हणून संपूर्ण देशामध्ये साजरा करण्यात येतो। विणकर म्हणजे की जो हातमागावर, म्हणजे मांगटा, ज्याला जुन्या भाषेमध्ये मांगटा हा शब्द होता, त्या मांगट्यावर बसून जो कपडे तयार करतो असा हा विणकर, त्याचा हा दिवस असतो। वर्षातून एकदा हा विणकर दिवस संपूर्ण भारतामध्ये मनवला जातो। असा हा विणकर दिवसानिमित्त आज आम्ही विणकरी व्यवसाय करणाऱ्या, मांगट्यावर बसून कपडे तयार करणाऱ्या असा विणकरांचा सत्कार आम्ही नागपूर विणकर आघाडीतर्फे केलेला आहे। खरं म्हणजे विणकरांच्या इतक्या मोठ्या समस्या आहे, दिवस आनंदाचा आहे, साजराही केला पाहिजे, पण या विणकरांच्या खूप मोठ्या समस्या आहे। सगळ्यात मोठी समस्या म्हणजे यांची मजुरी कमी आहे। सगळ्यात मोठी समस्या म्हणजे धाग्याला इतका मोठा रेट, इतका मोठा भाव आलेला आहे की त्याच्यामुळे कपड्याचे भाव वाढलेले आहे। सूतगिरणी मालक हा सूत महागामध्ये देतो, त्याच्यामुळे विणकर हा आपल्या व्यवसायाला न्याय देऊ शकत नाही आहे। त्याच्यामुळे हा दिवसेदिवस हा व्यवसाय जो आहे तो कुठेतरी बंद होण्याच्या मार्गावर आलेला आहे। नागपुरात तर जवळजवळ हा व्यवसाय बंद होण्याच्याच मार्गामध्ये आहे। महाराष्ट्रातील किती लोकांची सत्कार केला आहे, महाराष्ट्रातील त्याची स्थिती फार खराबच आहे। नागपुरामध्ये या दिवसानिमित्त आतापर्यंत आम्ही 7-1 विणकरांचा सत्कार आम्ही या आघाडीतर्फे केलेला आहे, आणि अजून आम्ही 5-7 विणकरांचा सत्कार नागपुरामध्ये करणार आहे। असा हा दिवस आम्ही विणकर आघाडीमधून नागपुरामध्ये मनवतो आहे। सर्व विणकरांना महाराष्ट्र प्रदेशातर्फे मी हार्दिक शुभेच्छा देतो। आज संपूर्ण नागपूर शहरामध्ये ज्या ज्या हलबा बाऊल क्षेत्रामध्ये विणकरांचे काम मागते जे चालू आहे, त्या संपूर्ण कारागिरांच्या व मागते विणणाऱ्यांच्या आम्ही सत्कारच्या आज 7 ऑगस्ट विणकर दिवसच्या निमित्ताने आम्ही करतो आहे। गेल्या भारत सरकारने 2015 विणकर दिवसाची ह्या दिवसाला मानधन मिळालं घोषणा केली, आणि घोषणा केल्यानंतर आम्ही गेल्या 7 वर्षापासून हा विणकर दिवस आम्ही मनवतो आहे। आमची मागणी आहे, महाराष्ट्र सरकार असो की केंद्र सरकार असो, जो सूत आहे, सुताला
रोजच्या वापरण्यासाठी जो बाजारभाव असते त्या बाजारभावापेक्षा जो रेट वाढलेला आहे तो रेट कमी व्हावा. सूतचा रेट आपण जसा धान्य आहे ज्याप्रकारे रोजच्या वापरणाऱ्या वस्तू आहे ते वस्तूमध्ये तागाला सूतला आणावं आणि त्याचे रेट कमी करावं. जर सूतचे रेट कमी झाले तरच विणकराला रोजगार मिळेल आणि त्याची रोजीरोटी निघेल आणि त्याला एक नवीन व्यवसायाचा वाव मिळेल. महाराष्ट्र सरकार आणि केंद्र सरकारला आमची प्रार्थना आहे की सूतचे रेट कमी करावं जेणेकरून आमच्या बेरोजगारांना विणकरांना त्यांचा रोजगार मिळाला पाहिजे. हे आमची प्रथम आजच्या दिवशी माग आहे. तसेच जे वर्करांना पॉलिसी असते ते पॉलिसीसुद्धा आमच्या ह्या विणकराला लागू झाली पाहिजे आणि महाराष्ट्र सरकारला आमची प्रार्थना राहील की यांचा संपूर्ण सर्वे करून जे लोक आज विणकाम करत आहे यांना पॉलिसीमध्ये आणून जीवन विमा पॉलिसीमध्ये आणून यांच्या जीवनातला सुखदुःखाचा जे प्रश्न आहे ते आपण सोडवावं. त्यांच्या आरोग्याचा प्रश्न आहे, त्यांच्या पोटापाण्याचा प्रश्न आहे, त्यांना औषधी मिळत नाही अशा अनेक प्रश्न आहे. या प्रश्नाकरता महाराष्ट्र सरकार आणि केंद्र सरकार विशेष रूपाने त्यांच्या लक्ष केंद्र करण्याचा आम्ही विणकर आघाडी नागपूर शहराच्या वतीने करणार आहे. मी शुभेच्छा देतो. मारेगाव के कुंभामाड़ी इलाके में रविवार को सुबह 5:30 बजे आंधी तूफान के साथ तेज बारिश के कारण खेतों में काम कर रहे किसानों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा. दूसरी ओर भारी बारिश, भीषण बिजली, तूफान और बादल फटने की बारिश के कारण तालुका में कृषि और घरों में पानी घुसने का खतरा पैदा हो गया है. प्रशासन सर्वे कराकर संतोष व्यक्त कर रहा है, इसलिए किसान काफी परेशान है. जबकि सत्तारूढ़ कैबिनेट दिल्ली का विस्तार करने की योजना बना रही है. नागपुर जिले के मौदा तालुका के तरसा ग्राम पंचायत क्षेत्र से बहने वाली नदी वर्तमान में बाढ़ की स्थिति में है और यहां स्थित पुल से भी पानी बह रहा है. लेकिन ऐसे में भी कुछ बाइक सवार पुल के ऊपर से बाइक चलाने की खतरनाक कोशिश कर रहे हैं. नागरिकों द्वारा इसे अपने मोबाइल फोन में फिल्माए जाने के बाद वीडियो वायरल हो गया और अब सुबह से ही पुलिस को पुल पर तैनात कर दिया गया है. महाराष्ट्र शाहिर परिषद और भारतीय कलाकार शाहिर मंडल द्वारा आयोजित साहित्य सम्राट लोक शाहिर अन्नाभाऊ साठे की 102वीं जयंती मंगलवार को रामटेक स्थित संत रोहिदास सभागार में भव्य तरीके से मनाई गई. इस अवसर पर कलाकारों ने अपनी कला के माध्यम से सामाजिक और राष्ट्रीय हित में लोक कला के योगदान जैसे विषयों पर प्रस्तुति दी. इस मौके पर कार्यक्रम का उद्घाटन पूर्व मंत्री राजेंद्र मूलक ने किया. उन्होंने अपने भाषण में संस्कृति के संरक्षण के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि ये समय की जरूरत है. इस अवसर पर नागरिकों ने कार्यक्रम के प्रति सहज प्रतिक्रिया दिखाई. इस अवसर पर भारतीय कलाकार शाहिर मंडल, महाराष्ट्र शहर परिषद के अध्यक्ष एवं जिलाध्यक्ष राजेंद्र बावनकुले, कवि ज्ञानेश्वर वंदरे, भगवती सहरे, नरहरि वासनिक, भगवान लांजेवार और गणमान्य व्यक्ति शाहिर कवि कलाकार मुख्य रूप से उपस्थित थे. पुढच्या पिढीला प्रबोधनाची आवश्यकता. पुढची पिढी मजबूत तयार झाली तर देश मजबूत होईल. तो वीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम न्यूज में आज बस इतना ही. कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ. तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज. नमस्कार.